हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टू ट्रिक में। दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिक की शॉप पर काम करते हैं तो आपने एंकर के जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में सुना ही होगा। खासकर उसमें आप देख सकते हो कि MCB तथा वायर के ऊपर आपको एक बार कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि आपको जो है MCB तथा वायर पर इस तरह का जो है बार कोड देखने को मिलेगा, जिसको आप स्केच करने के बाद इस तरह का जो है बार कोड दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस बारकोड पे मिलने वाले पॉइंट को किस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो है बैंक में रिडेम्पशन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बारकोड से आप जो है कम से कम आपको 5-10 रुपये आसानी से मिल जाते हैं, जिनको आप बचत करके एक बड़ा अमाउंट कर सकते हो तथा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह जो है इस पर मिलने वाले पॉइंट को जो है रिडेम्पशन करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल टेक्निकल टू ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देना, जिसका नाम है स्मार्ट सेवर एप्स। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है। हम इसे इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से ओपन कर देते हैं। चलिए हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से लैंग्वेज चूज करना है। तो हम हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो चलिए इंग्लिश चूज करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इसको अपने मोबाइल के साथ जो है एक्सेस करना है नेटवर्क, और जो है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर देना है। तो चलिए हम रजिस्टर कर देते हैं। और इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो ऑटो वेरीफाइड होने के बाद आप जो है इस एप्लीकेशन में एंटर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है, सबसे पहले आपको जो एक प्रोफाइल का साइनअप दिख रहा है उसमें जाना है, और यहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल ऐड कर देना है। यहाँ पर आप अपना नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, और यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको अपना बैंक का डिटेल्स ऐड कर देना है। जिस किसी बैंक में आपका जो है विड्रॉल लगाते हो, उस बैंक का डिटेल आपको यहाँ पर ऐड कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो है चेक तथा पासबुक की फ़ोटो जो है अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना होता है। ठीक है, जिसमें जो है आप बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की फ़ोटो जो है अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आप जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके भी अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, या ऑप्शनल है आप करना चाहे तो कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप जो है सभी डिटेल सबमिट कर देते हो, आपको ऊपर एक साइनअप दिख रहा होगा फ़ोन का, आपको इस पर क्लिक करना है। बेसिकली जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मोबाइल नंबर दिखेगा। तो सबसे पहले आप जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट करते हो, आपको इस मोबाइल नंबर पर क्लिक करके जो है अपनी KYC को यहाँ से वेरीफाइड कराना है, तभी आप किसी प्रकार के जो है पॉइंट जो है अपने एप्लीकेशन में जो है ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉल करके KYC वेरीफाइड करने के बाद वापस उस एप्लीकेशन में जाना है, जो है स्कैन में जाना है, और यहाँ से क्लिक टू स्कैन QR पर क्लिक करके अपने जो है कैमरे को उस जो है स्केच किए हुए बार कोड के ऊपर लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो जैसे ही स्कैन होगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस एक ऐड आएगा, आपको उसको क्लोज करना है, और देख सकते हो कि यह जो है ऑलरेडी किया जा चुका है। तो इस तरह जो है आप किसी भी वायर तथा MCB पर मिलने वाले जो है पॉइंट को यहाँ से स्कैन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ। अगर किसी कारण आपका बार कोड स्कैन नहीं भी होता है, तो आप जो है यहाँ पर एक स्केच नंबर दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये नंबर है, आपको मैं जूम करके बता देता हूँ, आप वहाँ पर ये नंबर डाल के भी वहाँ से जो है पॉइंट का जो है अपने एप्लीकेशन में ले सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन में आपके 100-200 पॉइंट हो जाते हैं, फिर आपको जो है इस वाले ऑप्शन में जाना है, माई वॉलेट में। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी जो है KYC कम्प्लीट नहीं हुई है, तो हमारे जो है ऑप्शन जो है अनेबल नहीं हुए हैं। जैसे आप KYC कम्प्लीट कर देते हो तो आपके ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि आपका टोटल कैश यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप पेटीएम तथा बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपकी मिनिमम वैल्यू कोई नहीं है, आप 10-15 रुपये जो भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो कर सकते हो। आप डेली की 1000 रुपये तक जो है इस एप्लीकेशन के से जो है आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप जो है अगर एंकर के किसी प्रोडक्ट को देखना चाहते हो कि वह ओरिजिनल या डुप्लीकेट है, तो आप इस वाले जो है
माय प्रोडक्ट में जाके आप आसानी से चेक कर सकते हो कि वह एंकर का ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं स्कैन करके, ठीक है। इसके बाद आप जो है आप जैसे वेरीफाइड पर क्लिक करोगे तो या आप यहाँ से स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह ओरिजिनल प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो है आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। देख सकते हो कि आपको जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको इस वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल टेक्निकल टिक को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।